ठीक आहे. कालचं झालं, कालचा विषय काल संपला. नहीं सुनो, मैं तो पहले कहता हूं कि इसका उत्तर मुझे मिलना चाहिए. यह अन्याय हम नहीं सहेंगे, यह अन्याय है. और जैसे पिछली बार भी मैंने कहा था कि एक लेटर हमें भी आया कि जितने हमारे नेता यहां से वहां प्रचार के लिए जाएंगे उनकी बैग खोलकर देखी जाएगी. जरूर खोलो, जरूर खोलो, लेकिन उस वक्त प्रधानमंत्री जी और गृहमंत्री जी की भी बैग खोलकर देखनी होगी. यहां भी जितने सारे लोग हैं और पूरे देश में जहां पर या तो गद्दार मुख्यमंत्री है वो भी प्रचार के लिए जाएंगे तो उसकी भी बैग खोलनी जरूरी है. सबकी बैग खोलो, फिर हमारी बैग खोलो. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है सीट है उस पर आपको क्या माहौल दिख रहा है? नहीं ठीक है, मैं सुनो बाकी अन्य विषय के बारे में मैं फिर कभी आपके साथ बात करूंगा. लेकिन ये अहम मुद्दा है, हमारे भवानी माता का अपमान और उसका नाम नहीं लेना हम नहीं स्वीकार करेंगे. चुनाव आयोग को मैं कहता हूं हमारे ऊपर कार्रवाई करना चाहते हो तो करो, लेकिन ये भवानी माता का अपमान मतलब पूरे महाराष्ट्र की अस्मिता का अपमान है. शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र की वो कुल देवता है और हम तो मानते हैं कि उन्हीं के आशीर्वाद से छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की. तो चुनाव आयोग से मैं उत्तर मांग रहा हूं, अगर हमारे ऊपर